का थर्ड क्लास ट्रैवलिंग का था, टूरिज्म का नहीं, ये पहला। बीच एक स्टेशन से चढ़ने के लिए गए, गाड़ी कहीं आगे से आने वाली थी और गांधी जहां जाना चाहते थे वहां जाने वाली थी। 1915 की साल प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और आप में से जिन लोगों ने दूसरा विश्व युद्ध देखा है उनको तो मालूम है कि युद्ध के जमाने में फौजी लोगों की हेराफेरी बहुत हो जाती है और उनके स्पेशल डिब्बे तो होते ही हैं, स्पेशल ट्रेनें भी होती हैं, लेकिन बाकी सारी गाड़ियों को भी वे अपनी गाड़ी के नाते उसका व्यवहार करते हैं। तो गांधी जहां खड़े थे वहां जब उनकी उनकी गाड़ी आई तो गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर रुकी भी नहीं थी और एक जबरदस्त फौजी आदमी जो अंदर दरवाजे के पास बैठा हुआ था उनकी गाड़ी चल ही रही है तो वो चिल्ला रहा है, इसमें मत बैठो, ये फौजी डिब्बा है। विजय मार्गवर्ग स्टेशन में जब उनके ऊपर मन पर इतना तनाव था, उनको धक्का देकर नीचे गिराया गया था, बहुत सारे प्रश्नों के का चिंतन उनका चलता था, उस समय भी गांधी को ये मन में इतनी स्वस्थता थी कि अपने जो टिकट है वो टिकट कितने दिन के लिए वैलिड है उतना वो देख सकते थे। तो इस समय तो स्टेशन के बाहर खड़ा है, गाड़ी के डिब्बे पे ऊपर ही देख लिया कि ये जनरल कंपार्टमेंट है, भले ही अंदर वाले चिल्ला रहे हो कि ये फौजी डिब्बा है। जो डिब्बा उनके सामने आया उसी के दरवाजे के पास गए और हैंडल पर हाथ रखा, फिर वो चिल्लाता है इसमें मत घुसो, ये फौजी डिब्बा। गांधी ने कहा कुछ फिक्र नहीं, उसे आदमी बस आदत नहीं थी कि वो अपने इतनी बुलंद आवाज में कहे कि इस पे मत फिक्र कोई घुस पाता, लेकिन ये आदमी कहता है कुछ फिक्र नहीं। एक काठियावाड़ी पगड़ी वाला एक किसान जैसा वेश वाला एक आदमी कहता है कुछ फिक्र नहीं, और बोतल तोड़ के उसने दरवाजा तक खोल दिया। वो सोचता है अच्छा आने तो दो अंदर, फिर इनको मैं मजाक चखाता हूं। आए उसको मन में यह था कि जैसे ही वो जगह आप मांगेंगे बैठने के लिए तो मैं धक्का दूंगा, लेकिन धक्का गांधी ने उस फौजी को दिया। फिजिकल धक्का नहीं था, उसने जो अपेक्षा रखी थी कि मेरे पास जो खाली जगह है वहां वो बैठने की कोशिश करेगा तब मैं धक्का दूंगा, गांधी अंदर घुसते ही जो आदमी बोल रहा था उसी के पास नीचे पैर के पास जाकर चुपचाप बैठ गए और कुछ नहीं किया और वही धक्का लगा उसको। अरे ये तो जगह भी नहीं मांग रहा, मेरे पास नीचे जगह के ऊपर नीचे बैठ गया। अच्छा तुम घुसी गए हो तो बैठ जाओ, यहाँ जगह हार करके वही उसी ने जगह कर दी। बातचीत शुरू हो जाती है और वही तो गांधी का उद्देश्य था कि लोगों से परिचय हो। भारत की जनता की श्रद्धा कहां जुड़ी है हुई है उसका अध्ययन करने के लिए हरिद्वार के कुंभ मेले में गए। उस समय तो आश्रम के कुछ कुमार भी उनके साथ थे। कल जैसे बताया था जब भीड़ इकट्ठा होती है तो बापू को चिंता सबसे पहले ये होती कि सफाई का क्या होगा, तो हरिद्वार में जाकर भी वहां उन्होंने पहला काम सफाई की टोली बनाने का ही किया। सत्संगति का काम दोपहर के लिए पोस्टपोन किया, सुबह तो उन्होंने सफाई का ही काम शुरू किया। इस एक साल में अंडमान और निकोबार के
द्वीपों को और लक्षद्वीप वगैरह द्वीपों को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान के हर प्रदेश में गांधी घूमे, हर भाषा बोलने वाले का संपर्क किया। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, वो पूरे समाज के क्रॉस सेक्शन का परिचय गांधी ने पाने की कोशिश की। राजनीतिक पक्षों के दफ्तरों में गए, कांग्रेस के दफ्तर में गए, मुस्लिम लीग के दफ्तर में गए, हिंदू महासभा के दफ्तर में गए, लिबरल पार्टी थी उसके दफ्तर में भी गए, उनके साधारण कार्यकर्ताओं से मिले, उनके नेताओं से मिले। उन्होंने पाया कि वहां देश में विचार की दृष्टि से चार मुख्य प्रवाह चल रहे थे, लेकिन गांधी का अपना विश्लेषण था। किसी को पांच भी लिख सकते थे, किसी को तीन भी लिख सकते थे, इनको चार लिखे। एक ऐसा प्रवाह जिसे सामान्य जनता नरम दल के लोगों के विचार, दूसरा ऐसा प्रवाह जिनको सामान्य जनता गरम दल के लोगों का विचार, दोनों का नेतृत्व आपके शहर में था। एक तीसरा प्रवाह था जिसका कोई व्यवस्थित संगठन नहीं था, लेकिन उसके पीछे कुछ विचार जरूर थे, जिसके लिए भारतवासी शब्द इस्तेमाल करते थे क्रांतिकारी, और अंग्रेज लोग उनके लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो शब्द आजकल हम लोगों को काफी परिचित है, उनको आतंकवादी कहते थे। हम लोग क्रांतिकारी कहते थे और अंग्रेज लोग उनको आतंकवादी कहते थे, ऐसा एक तीसरा प्रवाह। एक चौथा प्रवाह था जो ये मानता था कि राजनीति के प्रश्न भी राजनीति के स्तर से थोड़ा ऊंचा उठ कर हल करना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह से ऊपर उठ कर देखता है वो उस समस्या को ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है, एक प्रकार से उसका नेतृत्व तो नहीं कहेंगे लेकिन उस विचार का नेतृत्व माने तो श्री अरविंद जैसे योगी लोग करते थे। गांधी ने सोचा कि ये जो चार प्रवाह है से जितना हो सकेगा हम लेंगे, इनकी क्या कमी है, इनके क्या दोष है, इसकी चर्चा में पड़े बिना इससे क्या ग्रहण किया जा सकता है लेंगे। और उन्होंने पाया ये कि अपने सत्याग्रह में इन चारों चीजों को बड़ी खुशी से ग्रहण किया जा सकता है। नरम दल की नम्रता, गरम दल की तीव्रता, क्रांतिकारियों की फना हो जाने की तैयारी और आध्यात्मिक लोगों की प्रश्न को राजनीति से ऊपर उठकर हल कर देती आकांक्षा। गांधी ने सोचा सत्याग्रह में ये चारों चीजें आ सकती है। क्विट इंडिया का नारा देने के बाद, उसके बाद कई वर्षों के बाद मैं यहां बता रहा हूं, क्विट इंडिया का नारा देने के बाद उसका रेजोल्यूशन भेजते समय गांधी वायसराय को डियर फ्रेंड करके संबोधित करते हैं और पहला पैराग्राफ इस विषय में लिखते हैं कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं सचमुच तुम्हें अपना मित्र समझता हूँ, इसलिए डियर फ्रेंड कह रहा हूँ।